हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मॉनिटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट्सएप के ऐसे पांच सेटिंग के बारे में जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और कभी कभी आपको ये काम आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसको जानने के लिए हम चलेंगे सिंपली व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों, आप जैसे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको होम पेज कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर है उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चार्ट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक नया फीचर आया है जिसके जरिए आप कोई भी वर्ड को यहाँ पर पर्टिकुलरली सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर, जैसे मैं व्हाट्सएप लिखूँगा, व्हाट्सएप लिखूँगा, तो दोस्तों कहाँ कहाँ पर व्हाट्सएप यूज हुआ है वो वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज को ढूंढने में आसानी होगा, जिससे आप एक क्लिक में उस मैसेज तक पहुँच पाएंगे सिंपली आप एक वर्ड टाइप करते ही। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एक चैट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी एक आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी अगर लिखते हैं, W यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर W से जितना भी वर्ड है वो आपको यहाँ पर ब्लिंक होगा, येलो कलर में ये ब्लिंक कर देगा W से। यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पर W लेटर्स है वो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा। जो भी W से शुरू हुआ है वो सब यहाँ पर येलो कलर में ब्लिंक हो रहा है। तो दोस्तों, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे व्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिसअपीयरिंग मैसेज का। तो दोस्तों, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी चैट आप करेंगे किसी के भी साथ, तो दोस्तों वो 7 दिन के अंदर अंदर आपका डिलीट हो जाएगा। जो कि आपको पर्टिकुलरली खुद सिलेक्ट करके डिलीट नहीं करना है। जो भी चैट का, आज से समझ लीजिए आज से 7 दिन पहले अगर किसी के साथ आपने चैट किया था, वो चैट अपने आप डिलीट होता जाएगा। पिछले 7 दिन का यहाँ पर जो भी 7 दिन हो जाएगा, जैसे आज आपने मैसेज किया और अगले हफ्ते तक वो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस फीचर का भी यूज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 4 पर जो सेटिंग है उसके लिए दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर किसी भी एक चैट पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूट का। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, उस पर्टिकुलर चैट के नोटिफिकेशन को 8 आवर्स 1 वीक या फिर ऑलवेज के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस चैट से आपको कोई उधर से मैसेज भी भेजता है, तो दोस्तों आपको इन पर्टिकुलर डेज के हिसाब से आपको उन दिनों तक आपको इस चैट से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपको इन चैट से अगर मैसेज आता है तो आपके पास नहीं आएगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट सेटिंग है उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर चैट में एंटर करना है। और अगर आप किसी के साथ ज़्यादातर चैट करते हैं और उसको आपको ढूंढना पड़ता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड टू शॉर्टकट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों ऐड टू शॉर्टकट पर क्लिक कर देंगे, आप जैसे होम पर आएंगे, यहाँ पर आपका वो चार्ट शॉर्टकट में यहाँ पर सेव हो जाएगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर चार्ट को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पर जैसे होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल गया है, उसका नाम यहाँ पर शो होगा और उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके चार्ट में आप डायरेक्ट ही एंटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये सेटिंग्स आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार गाइस, उस लाल कलर के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।